अरे योग की है भाई ओमपाल, तोहफा है भाई साहब, कट्टू बड़ा तोहफा। इसको पता है वो कसाट्टा कहते हैं। हाँ। अरे वो बावड़ी बूझ, हट। इसे कसाट्टा ना कहते, कट्टस कहते हैं। भाई साहब, भाई साहब, ऑफिस और गाड़ी का ताला खुलवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके हजारों धन्यवाद इकट्ठा हो गए मेरे पास जगत जी, जबकि मैं आपका एक भी धन्यवाद आपको ना दे पाया। आपने ऐसा कोई काम ही ना किया, इस नाचीज को मौका ही ना दिया धन्यवाद कहने का। भाई साहब हैं, इसलिए जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, मैंने धन्यवाद सहित आपको ये छोटा सा लेकिन प्यारा सा गिफ्ट भेज दिया। अरे थैंक यू भाई साहब, वो बहुत बढ़िया। ना 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 ना, ज्यादा करीब मत जाइए इसके। ना सीसीटीवी लगा रखा है क्या भाई साहब ने? सीसीटीवी तो नहीं लगा रखा, ऐसा ही सोच रहे हैं ना आप? भाई साहब, आपको कैसे मतलब? जो मन के करीब होते हैं उनको मन की आंखों से देख लेता हूँ जगत। बाकी ज्यादा खुशी में आके चूम मत लीजिएगा तोहफा, वरना मुफ्त में एक्यूपंचर हो जाएगा होठों का। अनजाने में ही सही, आपने कुछ तो सही किया। धर्मपाड़ को 4-5 महीनों के लिए फिर से हाउस अरेस्ट में डाल दिया। अरे भाई साहब, सब आपकी दया है। दया बनी रहे, इसके लिए आगे कुछ सोचा है आपने, या आगे फिर वही ढाक के 3 बात? नाना भाई साहब, सोचा है ना, जब आपने गाड़ी और ऑफिस का ताला लगा दिया था ना, तो यही सोच रहा था, और सोच सोच के एक सॉलिड आइडिया बना भी लिया है। भाई साहब, अब की बार चौतरफा हमला करूंगा। धर्मपाल तो वैसे बिस्तर पकड़ चुका है, अब मैं इसके घर वालों को घेरूंगा, और ऐसा घेरूंगा कि एक बार को अभिमन्यु भी चकरा जाएगा इस चक्रव्यूह से निकलने में। तो ये धर्मपाल के घर वाले क्या चीज है? प्रोफेसर शिशुपाल, धर्मपाल का प्यारा भाई। अरे राम जी का लक्ष्मण ना है ये, राम जी का हनुमान है। इसी की तनख्वाह से पूरा घर का खर्च चलता है भाई साहब, पर अब तनख्वाह नहीं आएगी। धर्मपाल की दुकान चलाने वाला उसका भतीजा कुत्तू, ये बड़ा स्पेशल है भाई साहब धर्मपाल के लिए, तो इसके लिए भी कुछ स्पेशल सोच रखा है मन्ने। हाथ तुड़वा चुके धर्मपाल के दो हाथ, गुन्नू और सत्तू, ये हाथ भी कुछ दिनों में ना रहेंगे भाई साहब, ये भी कट के अलग हो जाएंगे इस परिवार से। ये गुन्नू और सत्तू धर्मपाल के हाथ हैं, और शिशु और पुत्तू उसके लीवर और किडनी, तो करीमा और सुशीला उसका दिल है भाई साहब। अब पहले मैं उसके लीवर और किडनी का ऑपरेशन करूंगा, और उसके बाद काटूंगा उसके हाथ, और उसके बाद आएगा दिल का नंबर। और भाई साहब, उसका दिल तो मैं उसके अंदर हाथ घुसा के बाहर खींच लूंगा, और उसे ऐसे मर्तबान में बंद करूंगा कि उसका दिल जिंदा तो रहेगा पर आपके भाई की कैद में रहेगा। भाई साहब, जो 15,000 हमने हॉस्पिटल में दिए वो EMI के थे, इसका मतलब अगली EMI तो नहीं निकलने वाली। ऊपर से ये पापा जी का नया मेडिसिन का खर्चा जो हर महीने कटने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं हम ये सब? ये छोरियां हैं भाई साहब, जिनकी वजह से काटेलाड एंड सन्स हमारे हाथ में ना सका। अब इन छोरियों के आसपास के सारे लोग गिरेंगे, और जिन खंभों पे ये घर खड़ा है वो सब गिरेंगे। बैंक की EMI का बोझ ऐसा पड़ेगा इन पे कि EMI का नाम सुन के भी कांपने लगेंगे दोनों। और जब इन छोरियों की जिंदगी को उधार की जिंदगी बना दूंगा ना भाई साहब, तब खेलूंगा मैं अपना आखिरी हाथ। I will give them उपहार that they can't refuse. इस बार ना बच पाएंगी भाई साहब ये छोरियां। मैं भी ऐसी आशा करता हूँ जगत, पर अगर आप फेल हुए तो याद है ना,
इस कैक्टस की जगह आपकी कनिष्ठा उंगली। ध्यान रखिए अपना। जी भाई साहब। करेंगे, मुझे भूख लगी है। डिनर में क्या बनाया जीजी? इनके मन पसंद की चने की दाल है। अच्छा, आप फुलका खाओगे या तवे पे सिकी रोटी? जब से अस्पताल से आए हो ना, एक शब्द भी ना बोला आपने। ऐसे घुटघुट के रहोगे तो क्या बोल रहा है? या तो रोले या बोल ले। क्या कर लिया भाई साहब? पापा यहां सो रहे हो? चलिए अंदर अच्छे से सो जाइएगा। हाँ हाँ चल। हो गया क्या? हाँ हाँ पापा जी हो गया। चल जल्दी कर। तूने पक्का पीसी हुई चीनी डाली थी? कुछ और तो ना डाल दिया था बीच में? अरे चीनी क्या, मैंने तो नमक डाला था। पापा जी को डायबिटीज है ना? हाँ। तेरे से वन स्टेप आगे चलती हूँ मैं। अच्छा किया। पानी पानी। पापा 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 रे कितना पानी डाल रही हो? आज का नाना हो गया मेरा।
हैं? भाई साहब आपको कुछ ना हुआ, आप ठीक हो, आप मरे नहीं। अरे अभी कैसे मरूंगा चंचल, अभी तो तुझे ये बताना है कि मेरे मरने के बाद एसी का क्या करना है। अरे भाई साहब कुछ ना कुछ हो ही जाता है एसी का भी। तो मैं मर जाऊं? मैं ऐसा थोड़ी बोल रही थी भाई साहब। भाई साहब आपने तो डरा ही दिया था, हाथ पांव फूल गए मेरे तो। ऐसा मजाक कोई करता है क्या, मेरी तो जान ही निकल गई थी। अरे पहाड़ से रास्ता निकालने के लिए उसे बारूद लगा के उड़ाना पड़ता है। अरे तुम्हारी क्यों डर के मारी घिग्गी बंद गई थी, तुम्हें तो पता था ना ताबीज में जहरना है। मैं जहर खा के इस दुनिया को टट्टा बाबा ना कर दूं, इसलिए ताबीज बदल दिया था ना तुमने। इससे अच्छा होता अपनी हरकतें बदलने का सोचती। नहीं चोरी तो बड़ी पहुंची हुई निकली हैं? चोरी से भाई साहब के गले का ताबीज बदल दिया, और एक दिन ये तेरे सारे सपने चुरा लेंगे चंचल और तू सोती रह जाएगी। ताजी सो ऑलवेज एंग्री। न किसी को इससे ज्यादा जरूरी बात करनी है तो बाहर जा सकता है। जब मैंने अपने गले में ताबीज बांधा था तब ये सोचा कि बाप कुछ कर बैठेगा इस डर से तुम अपने आप पर अंकुश लगा लोगी, पर तुमने मने गलत साबित कर दिया। तुम तो और भी ज्यादा निर्लज्ज और बेशरम निकली। ना पापा बात ये होना है, हम तो बस मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मैंने मदद मांगी थी कि मैंने बोला था कि मेरे से ना हो पा रहा गरिमा सुशीला, मेरी मदद करो। अरे जब मैं खाना खाना ही नहीं चाहता था तो तुम क्यों जबरदस्ती मेरे मुंह में खाना ठूस रही हो? चोर को पकड़ के पिसे वापस लाके तुम बड़ी फन्नेका बन रही। अरे अपने आप को 30 मार खा समझ रही हो, ये सोच रही हो कि पापा की बड़ी मदद की। मैं कह दूं ये मदद ना है, पिसे वापस करने का इंतजाम तो मैं पहले ही कर चुका था, और चोर तो देर सवेर ऐसे ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाता। पर तुमने जो हाईवे में तमाशा किया, तुमने दुनिया को यह साबित कर दिया कि धर्मपाल ने अपने छोरियों को संस्कार ला दिए। बड़ी बदमिजाज और बदतमीज छोरियां हैं धर्मपाल की। जो तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पर खर्चा किया वो सारा वेस्ट चला गया। अरे आजादी के नाम पर रोज तुम्हारे नए नए कांड सुनाई देते हैं। किसी के साथ चक्कर चलने की खबर मिलती है, किसी चोर को मार कुटाई की खबर मिलती है, कभी किसी का मुंडन करती हो ना। तुम ये किताब क्यों नहीं लिख देती? बाप को शर्मिंदा करने के 100 तरीके, पर इस सब के बावजूद भी तुम्हारी हरकतें अनदेखी की मैंने, ये सोच के कि लोगों की नजर में धोखा है, वो तुम्हारी छवि खराब करना चाहते होगे इसलिए। पर इस बार कांड करते हुए तो तुमने सारी लक्ष्मण रेखाएं टाप ली। तुमने योजना बनाई, झूठ बोला, सिर्फ मुझसे और अपने परिवार वालों से नहीं सारी दुनिया से झूठ बोला, सब कुछ दांव पर लगा दिया तुमने। कोई डर कोई खौफ ना है तुम्हारे दिल में, एक बार भी ना सोचा अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो हम सब पे के बीतेगी। तुम्हारी मां की छठी इंद्री तो वैसे ही फड़क रही थी, डर के मारे कांप रही थी बेचारी। अरे अपने चाचा के बारे में ना सोचा के बीती होगी उसके दिल पे कि उसके होते हुए उसके घर की छोरिया बाहर गुंडों से मार कुटाई कर रही है। कितना छोटा कितना बेचारा महसूस किया होगा उसने। और तुम्हारी चाची चाहे जैसी भी हो 24 घंटे तुम्हारे बारे में सोचती है। और पुत्तू इसकी हालत तो देख ही रहे हो, जान छिड़कता है तुम पे। तुम राइट कहती हो तो राइट हो जाता है, तुम लेफ्ट कहती हो तो लेफ्ट। अपने माँ बाप की अपने ताऊ ताई की ना सुनता है तो बस अपनी बहनों की। तुम्हें तो बस अपने मन की करनी है और किसी की तो तुम्हें परवाह ही ना है। अरे किस्मत अच्छी है तुम्हारी, आज कुछ बुरा ना होया, ऐन वक्त पर डॉक्टर प्रमोद और पुलिस पहुंच गई थी। पर हर बार ऐसा ना होगा, हर बार किस्मत इतनी अच्छी ना होगी। सॉरी पापा। रे ऐसे शब्द मुंह से ना फूटो जिसका तुम मतलब भी ना जानती हो। सॉरी कोई आटे की लई ना है जो हर टूटी चीज को जोड़ देगी। पर मने उम्मीद है जो मैंने ड्रामा किया उसका कुछ तो तुम्हारे दिमाग में असर पड़ा होगा। तुमने उस डर को जरूर महसूस किया होगा जो हमेशा हमारे मन में उठता है।
जो तुम्हारे मन से खत्म हो चुका है। और अब मैं इस डर को भूलने ना दूंगा। इतनी आसानी से मर के तुम्हारा पीछा ना छोड़ूंगा। आज से तुम इस डर में ना जियोगी कि तुम्हारा पापा जहर खा के मर जाएगा, बल्कि इस डर में जियोगी कि तुम्हारा पापा जिंदा है और तुम पे 24 घंटे नजर है उसकी। हम तो लकी है पापा, और हम चाहते कि आप हमेशा हम पर नजर रखो। हाँ पापा, जितना डराना है उतना डरा लो, और गलती करने पर पनिशमेंट भी देना। हम हैप्पीली झेल लेंगे आपके पनिशमेंट भी। बस पापा, मरने की एक्टिंग भी मत करना प्लीज। बस और ड्रामा ना देखना बने। कुसुम चंचल, ले जाओ इन्हें। नहीं पापा, हम यही रहेंगे पापा, प्लीज। ना बेटा, कभी कभी मौका भी देख लेते हैं, कभी बड़ों की बात भी मान लेते हैं। चलो चलो, सब अपने कमरे में चलो। चलो चलो, उठो। चलो चलो, खड़े हो। सुधरने वाले तो ना हो तुम लोग, कांड तुम्हारे कम ना होगे। मने ही तुमसे दो कदम आगे रहना होगा। छोरियां तो बहुत देखी दुनिया में, पर धर्मपाल की छोरी जैसी ना है ना। मुझे पता है, मेरी गरिमा और सुशीला एकदम अपने पापा की तरिया है। किसी के साथ ना इंसाफी होते देख ही ना सकती। एकदम अपने पापा की तरह बेखौफ और निडर हो तुम दोनों। पर बेटा, अब ना अपनी स्कूटी में ब्रेक लगाने की आदत डाल। ये दुनिया बाकी सब पीछे देखती है, पहले ये देखती है कि ये तो छोरियां हैं, उसके बाद उनकी आंखों में मिट्टी पड़ जाती है। उन्हें कुछ भी अच्छा ना दिखाई देता उन्हें। बात दुनिया की ना है मम्मी, अब दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती है उससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि हमारे पापा हमारे बारे में क्या सोचते ना। और यही चीज अगर किसी छोरे ने या पुत्तू ने कर ली होती ना, तो पापा जी उसे शाबाशी दे रहे होते, कहते शाबाश नौजवान, तूने इस घर की इज्जत बचाई है। हमारे पापा जी कभी हमारे लिए प्राउड क्यों ना फील कर सकते, क्योंकि वो तुम्हारे पापा है। और पापा होते इसलिए कि अपनी छोरियों की रक्षा कर सके। बेटा, एक बार इस दुनिया को उनकी नजर से देखने की कोशिश करो कि उनके दिल में क्या है, जो कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। और फिर अब कुछ ही दिनों की तो बात है, तुम दोनों की शादी हो जाएगी, तुम दोनों अपने अपने घर चली जाओगी। तो ऐसे में यूं मार कुटाई करना, झगड़ा करना अच्छी बात ना है ना। बेटा, मैके से जितनी अच्छी अच्छी यादें ले जाओगी ना, ससुराल में जीना उतना ही आसान हो जाएगा। ना मम्मी, आप भी ना कमाल हो। हम चाहे बात जो भी कर रहे हो, आप भी पापा की तरह हमारी शादी की सहनाई बजाने लगते हो। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी। हम पापा का पॉइंट ऑफ व्यू हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। पहले से स्ट्रेस का माउंटेन उन्होंने अपने कंधों पर उठा रखा है, और ऊपर से हम अपने कारनामों का बोझ भी डाल देते हैं। हम आगे से ध्यान रखेंगे। प्रॉमिस। हाँ, गॉड प्रॉमिस। प्रॉमिस। यार पापा भी ना रोज कहानी में कोई ना कोई नया ट्विस्ट ले आते, कुछ इमोशनली कर दिया। मेरा तो रोना ही निकलने वाला था। रोना तो उस जगत का निकालना पड़ेगा, फिर परमानेंट इलाज करना पड़ेगा उसका। उसी का किया धराई है। जब तक उस कटर का ढक्कन बंद नहीं होता ना,
तब तक बदबू मारता रहेगा। ना मेरा ध्यान बड़े पेपर में हो पर नजर तुम पे ही है, ये ना समझना तुम्हारी आंखों के इशारे दिखाई ना दे रहे मैंने। मम्मी स्कूटी की चाबी ना है यहाँ। कौन से नंबर की बस जाती है कॉलेज को? बस क्यों पापा, हम तो स्कूटी से जाते हैं ना। अरे स्कूटी से कॉलेज जाते थे, ये भी स्कूटी घर में ही रहेगी, ना स्कूटी रहेगी ना गेड़िया लगेगी। पापा गॉड प्रॉमिस, हम ना सीधा कॉलेज जाएंगे। हाँ सीधा घर वापस आएंगे। बेटे जी इतना ही सीधा चाल चलन होता ना तुम्हारा तो ये नौबत ही नहीं आती। अब उस दिन भी रोल नंबर का कह के गई थी और बीच रस्ते में से ही चिड़िया फूर हो ली। ये ऑटो के पीछे आइडिया ना जम रहा हो, घर में रहो। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.